किसान साथियों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेती दुनिया में किसान साथियों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्वदेशी कंपनी द्वारा तैयार हमारे गार्डन टूल्स जिन गार्डन टूल्स के माध्यम से आप अपनी सब्जियों की खेती को गार्डनिंग को आपकी बागवानी को आप अबे गन्नों की खेती को बेहद ही आसानी तरीके से इन यंत्रों के माध्यम से निराई गुराई कर सकते हैं मेरे किसान भाई इन यंत्रों के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कौन सा यंत्र कहाँ यूज होगा कैसे जानकारी 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 यूज होगा हो सकते हैं कहाँ से आपको ये मिलेगा पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो जो मेरे किसान भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो फेसबुक पर देख रहा है वो हमारे पेज को फॉलो कर ले तो शुरुआत करते हैं वीडियो का और जानते हैं यंत्रों के बारे में स्टीललेस स्टील प्रोडक्ट है जो एक काफी हैवी मटेरियल होता है उसके द्वारा इस को तैयार किया गया है वो मटेरियल इसमें लगाया गया है और बहुत ही अच्छे यहाँ पर गार्डन टूल्स तैयार किए गए हैं जिसमें हर गार्डन टूल्स की एक अलग अलग अपने आप में खूबी है तो आपको दिखाऊंगा कि इन गार्डन टूल्स को आप अलग अलग कैसे यूज कहां -कहां पर कर सकते हैं तो सबसे पहले इसके यंत्रों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले आपको बता दू तो ये इसका एक हैंडल है हैंडल का सबसे मेन कार्य है, हैंडल का होता है इस हैंडल से आप बहुत ही अपने चारों यंत्रों को लगाकर यूज कर सकते हैं एक ही हैंडल से एक बहुत ही जबरदस्त हैंडल है जिसकी बात करें तो लोहे का एक हाइट अच्छे तरीके से कलर पोटेट करके इसे तैयार किया गया है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपको लकड़ी का यहाँ पर इस तरीके से ग्रिप दी गई है जिसे पकड़ना बेहद ही आसान होता है इस ग्रिप को पकड़कर आपको हैंडल से ये आपका चार फुट का हैंडल होता है और इससे आपको चलाना बेहद ही आसान होता है इसमें आप कोई सा भी यंत्र आसानी से और ईजीली तरीके से यंत्र को लगा सकते हैं यंत्र को लगाने के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके का छेद दिया गया है जिसमें आप कोई भी हैंडल आप लेंगे हैंडल में इस तरीके से आप इसमें लगाएंगे तो आमने सामने जब आपके ये आ जाते हैं तो आमने सामने आने पर आप इसे नट बोल्ट की सहायता से यहाँ पर इसे टाइट कर सकते हैं जो जिसे लगाना बहुत आसान होता है ये लगाने के लिए आपको इस तरीके से इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइट कर देना है जब आपका ये हैंडल इस तरीके से टाइट हो जाएगा तो आपका सबसे पहले आपको इस यंत्र के बारे में ही जानकारी दे, दे देता हूँ जो मैंने इस पर यहाँ पर लगाया है इसे हम बोलते हैं हैंड कल्टी रैक इस हैंड कल्टवैक्ट का बेसिकली कार्य क्या होता है कि यहाँ पर जो कल्टीवेटर आप देख रहे हैं आपने देखा होगा अक्सर हम पहले जो किसान होते थे बैलों के पीछे कल्टीवेटर चलाया करते थे कुछ नए किसान आए तो अपने ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर चलाया लेकिन अब क्या है अब आप जो भी गार्डनिंग जो भी छोटा किसान भाई है वो बेहद ही आसानी तरीके से अपने गन्ने की खेती में सब्जियों की खेती में उसे क्या होता है कि मिट्टी को पलटवार करने के लिए कल्टीवेटर की आवश्यकता होती है तो कल्टीवेटर आपको लेने के लिए क्या करना होता है ये कल्टीवेटर होता है और ये इस कल्टीवेटर का कार्य क्या होता है जमीन की निचली सतह पर जाकर मिट्टी की पलटवार को आसानी पूर्वक कर देता है क्योंकि इसे जो तैयार किया गया है स्टीललेस स्टील है और इसके जो ये नुकीले आप भाग देख रहे हैं ये जमीन की सतह में गहराई में जाने के लिए सक्षम होते हैं और बेहद ही आसानी तरीके से गहराई में जाते हैं जो हमारे किसान भाई हैं जो पहले खुरपों की सहायता से बैठ कर अपनी निराई गुराई का कार्य किया करते थे बहुत सारी माता बहनें अपने खेतों में कार्य करती रहती थी तो वो आप इस यंत्र के माध्यम से खड़े होकर बहुत ही आसानी तरीके से अपने जो आपका कार्य होता है जिसे आप खुरपे से बैठकर कर एक घंटे में करते हैं उस कार्य को आप एक घंटे के कार्य को मात्र पंद्रह मिनट में इस यंत्र की सहायता से कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं इसके पीछे लगी हुई कल्टी रैक की इस रैक का कार्य क्या होता है अगर आपकी जो भी जमीन ऊँची नीची हो जाती है तो ऊंची-नीची हो जाने पर क्या है कि आप खेत में पानी अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं तो इस कल्टी रैक से आप उस ज़मीन को इकसार बना सकते हैं जो मिट्टी आपकी ऊपर नीचे रह रही है उसे आप इकसार कर सकते हैं जिससे आपका खेत में पानी देना बेहद आसान हो जाता है उसके बाद दूसरे यंत्र के बारे में आपको बता देना चाहूँगा इस यंत्र को बोलते हैं वीडिंग कल्टीवेटर विडिंग कल्टिवेटर का कार्य क्या होता है मैन कल्ट कल्टिवेटर का कार्य मैं आपको बता ही चुका हूँ इसमें भी आपको कल्टिवेटर मिलता है तीन फाली का ये बहुत ही अच्छा मेटेरियल होता है इस मटेरियल की बात करें तो ये स्टील लेस स्टील होता है सारा मटेरियल और एक कठोर स्टील होती है जिसके माध्यम से इसकी घिसावट जो है बहुत कम होती है और आप इससे कार्य को बहुत आसान बना सकते हैं इसके पीछे आप देख रहे होंगे एक ब्लेड लगा है जो हाई कार्बन स्टील का ब्लेड होता है और इसमें स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर लुक दिया गया है जिसमें आप देखेंगे तो इसे पीछे की तरफ एक धार है इस धार से आपका कार्य क्या होता है कि आपके कहीं भी खरपतवार हो चुकी है आपकी सब्जियों में या आपके गन्नों में या आपकी, आपकी किचन गार्डनिंग में कहीं भी आपकी खरपतवार है तो आप इसे इस तरीके से उल्टा करके अपने बैठ के भी कार्य कर सकते हैं पकड़ के और इसमें आप अपना जो हैंडल आपका आता है वो हैंडल आप यहाँ पर लगाकर खड़े होकर भी आसानी से कार्य कर सकते हैं तो इसे आप जब इस तरीके से चलाते हैं उल्टी की तरफ ऐसे तो आप इससे खरपतवार आसानी से निकाल सकते हैं उसके बाद किसान साथियों तीसरा बात करते हैं हैंड सोइल टीलर ये हैंड सोइल टीलर के नाम से आता है इसे हम हैंड सोयल टीलर इसलिए कहा जाता है आपके इसके आप देखेंगे रोलर लगा हुआ है इस रोलर की सहायता से आप इसे आसानी पूर्वक चल जो मिट्टी की गहराई में जब यह मिट्टी की गहराई में जाता है ये ब्लेड आप देखेंगे ना ये जब आप इसे हैंडल लगाकर खड़े होकर इससे कार्य करते हैं तो इस तरीके से ये मिट्टी की सतह के नीचे की तरफ जो खरपतवार को निकालता है ये तो खरपतवार निकालने में काम आता है लेकिन जब ये गहराई पर जाता है तो बीच में कुछ डले ऊपर के ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें हमें मिट्टी में बिल्कुल बारीक करने के लिए ये यहाँ पर जो रोलर दिया गया है जो यहाँ पर देखेंगे आप इस तरीके से ये रोलर जमीन में गहराई में कार्य करता है और आगे पीछे जब ये चलता है तो ये मिट्टी में जो डले हो गए हैं तो उन डलों को अपनी मिट्टी में ही तब्दील कर देता है यानी कि जो मोटा डला होता है उसका खेत में कोई महत्व नहीं होता है उससे आप कोई भी उपज पैदा नहीं कर सकते हैं वो केवल एक डले के रूप में पड़ा रहता है लेकिन इस हैंड सोइल टीलर से आप उस डले को मिट्टी में तब्दील करके अपना एक खाद पानी उसमें डाल के उसकी जो मिट्टी होती है उसमें और अधिक उपजाऊ वो बन जाती है क्योंकि जब मिट्टी बुर जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी उपज ज्यादा होगी तो किसान साथियों इस तरीके से आपका ये सोइल टिलर कार्य करता है उसके बाद आपको मैं एक और दिखा देता हूँ एक कमाल का यंत्र जिससे आप अपने खड़े होकर बेहद ही आसानी तरीके से आपको अगर कहीं पर गोल पर मिट्टी चढ़ानी है या कहीं अब आपको गूल निकालनी है तो इस यंत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं इस यंत्र को हम बोलते हैं रेजर हैंड रेजर इसे आप अगर खड़े होकर कार्य करना चाहते हैं खड़े होकर करिए बैठ के करना चाहते हैं तो बैठ के करिए इसमें यहाँ पर भी आप हैंडल लगाएंगे हैंडल लगाने पर जैसे आपने आलू वगैरह की सब्जी लगाई हुई है तो आलू की गुल पर आपको मिट्टी चढ़ानी है तो आप आलू की गुल पर इसके माध्यम से आसानी से मिट्टी चढ़ा सकते हैं या फिर आपको आलू ही लगाना है तो गुल बनानी है तो आप इससे माध्यम से गुल भी बना सकते हैं ये आपके कुछ बेसिकली कार्य इन चारों यंत्र के होते हैं इस किट को हम फोर इन वन किट बोला जाता है इस किट को ले अगर आप लेना चाहते हैं किसान भाइयों तो इस किट को बेहद ही आसानी तरीके से आप ले सकते हैं जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सअप पर अधिक जानकारी इनकी ले सकते हैं तो किसान साथियों ये यंत्र ये यंत्र आप देखेंगे आप मार्केट में अगर आप देखते हैं तो इन यंत्रों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है अगर आप देखेंगे विदेशी कंपनियां बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जिनके यंत्र आज हमारे देश में हैं लेकिन उनकी जो मार्केट वैल्यू की बात करें तो बहुत अधिक है जिसे बहुत सारे हमारे किसान भाई परचेज नहीं कर पाते हैं ये स्वदेशी यंत्र आप बेहद ही आसानी तरीके से खरीद सकते हैं क्योंकि इनकी कीमत भी बहुत ही कम रखी गई है कीमत आपको हर चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर आपको केवल हाई का मैसेज करना है उसके बाद आपको इसकी डिटेल सारी मिल जाएगी फोटो वगैरह मिल जाएगा उसका रेट आपको मिल जाएगा और आप अंदाजा में भी नहीं लगा पाएंगे इतनी कम कीमत में आपको ये मिलने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे घर बैठे भी मंगा सकते हैं आपको कहीं आना नहीं है कहीं जाना नहीं है केवल आप अपने जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर हाई लिखना है और हाई लिखने के बाद आप इस यंत्र को अपने घर पर मंगा सकते हैं उसकी सारी जानकारी आप व्हाट्सएप के द्वारा भी ले सकते हैं तो किसान साथियों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और जो किसान भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो हमारे साथ पहली बार है आमारी या हमारी वीडियो को देख रहा है तो वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे शेयर कर दे उन किसान भाइयों के लिए जिन्हें आवश्यकता है इन जैसे यंत्र की जो खरीदना चाहते हैं ये यंत्र लेकिन वो अभी तक अभी ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाई है तो उनके लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जिन अभी किसान भाइयों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसके लिए बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसे जरूर दबा दें उसके लिए आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आधा आसानीपूर्वक मिलती रहेगी तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार जय हिंद